तो आज हम लोगों का जो टॉपिक होने वाला है वो डब्ल्यू टी आर आई सी यानी आर एफ आई सी यानी नेटवर्क आई सी, ये तीनों आई सी एक ही हैं, तीनों आई सी एक ही हैं, लेकिन अलग अलग फ़ोनों में उनको अलग अलग नाम से उनको बोला जाता है। जैसे डब्ल्यू टी आर आई सी, ये भी नेटवर्क को एक्सेस करने का काम करती है। तुम्हारी आर एफ आई सी होती है रेडियो फ्रिक्वेंसी आई सी, ये भी नेटवर्क ही लगी होती है। ये जो तुम्हारे मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क आई सी होती है, ये भी तुम्हारी मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क के लिए लगी होती है। तीनों आईसी नेटवर्क के लिए लगी होती हैं। इससे पहले मैंने एक और आईसी बताई थी, मैंने पीएफओ आईसी। कौन सी आईसी? पीएफओ आईसी। पीएफओ आईसी भी हमारे मोबाइल फोन में नेटवर्क को लाने का काम करती है। अगर पीएफओ आईसी भी मोबाइल फोन में खराब हो जाती है तो नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है। किसकी प्रॉब्लम आती है? ये आईसी खराब हो जाती है तब भी फोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है। अब मैं तीनों आईसीओ का आपको कैलकुलेशन समझाता हूँ कि तीनों आईसी आपस में मिलकर के काम कैसे करती है। तीनों आईसी मिल करके आपस में काम कैसे करते हैं? आपके पास कोई भी मोबाइल फोन होता है, ये आईसी कॉल कनेक्ट डिस्कनेक्ट करती है, ये आईसी क्या काम करती है? कॉल कनेक्ट करती है या डिसकनेक्ट करती है? जितने भी मोबाइल फोन आते हैं सारे मोबाइल फोन में इस आईसी का काम क्या होता है? कॉल कनेक्ट करना और डिसकनेक्ट करना। ये आईसी कॉल कनेक्ट या डिसकनेक्ट करती है। इसकी पहचान के लिए पीसीबी में नेटवर्क सेक्शन में लगी होती है। कहां पर लगी होती है? नेटवर्क सेक्शन में लगी होती है और इसके पास स्मॉल साइज के कंपोनेंट लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? स्मॉल साइज के कंपोनेंट लगे होते हैं, मतलब जहां पर भी आईसी लगी होती है तो इसके पास में क्या लगे होते हैं? बिल्कुल छोटे छोटे जो स्मॉल साइज के क्या लगे होते हैं? कंपोनेंट लगे होते हैं। तो ये आईसी क्या काम करती है? मोबाइल फोन में नेटवर्क को एक्सेस करने का काम करती है। इसके खराब होने से भी मोबाइल फोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है। अब देखिए, मैं एक बार आपको बता रहा था कि हमारे मोबाइल फोन में डब्ल्यू टी आर आई सी, पी एफ ओ आई सी, ये सारी आईसी आपस में मिलकर के काम कैसे करती हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहली बात क्या है, आपके पास मोबाइल फोन में नेटवर्क के लिए जो पॉइंट आपका दिया होता है वो सबसे पहले ऐसे एंटीना का पॉइंट दिया होता है। एंटीना से तुम्हारे मोबाइल फोन में सिग्नल आता है और सिग्नल एंटीना से होते हुए गोल्डन कलर के एंटीना पे चला जाता है। ये जब गोल्डन कलर के एंटीना पे चला जाता है तो उसके बाद ये सिग्नल तुम्हारा चला जाता है पीएफओ आईसी के अंदर। कहाँ चला जाता है? पीएफओ आईसी के अंदर। पीएफओ आईसी को काम करने के लिए हमको करंट चाहिए होता है यहाँ से, बिल्कुल 3.7। जब पीएफओ आईसी 3.7 वोल्टेज करंट ले लेती है तो अपने अंदर से दो सिग्नल निकालती है, आर एक्स और इसमें से आर एक्स सिग्नल तो तुम्हारा डायरेक्ट जाता है क्योंकि ये तुम्हारा जो सिग्नल होता है ये 2G और 3G सिग्नल होता है। और यहाँ पर जो सिग्नल होता है उसके बाद यहाँ पर एक लगा दी जाती है इसके बीच में आईसी 4G PFO को काम करने के लिए भी वोल्टेज चाहिए होता है। जब 4G PFO को यहाँ से वोल्टेज मिल जाएगा तो ये सप्लाई तुम्हारी आगे चली जाएगी और आगे तुम्हारी आईसी चली जाएगी डब्ल्यू टी आर यानी नेटवर्क आईसी पर। नेटवर्क आईसी क्या काम करेगा? उन सिग्नल को लेगा। ये जो सिग्नल आते हैं ये आर एक्स टी एक्स के तुम्हारे डिजिटल सिग्नल होते हैं। कौन से होते हैं? डिजिटल सिग्नल को आपको कन्वर्ट करके ये सारे सिग्नल आपको दे देता है तुम्हारा सीपीयू के अंदर।
और सीपीयू आपके मोबाइल फोन में डिस्प्ले में ऐसे नेटवर्क दिखाई दे देता है। ठीक, जब नेटवर्क आ जाते हैं फिर आप बात करना शुरू कर देते हो, तो स्पीकर माइक रिंगर सबसे आवाज आना जाना ट्रांसफर होना चालू हो जाती है। तो सबसे पहली बात जो सिग्नल एंटीना पे आता है, एंटीना के बाद गोल्डन कलर एंटीना पे आता है, फिर पीएफओ पे आता है। पीएफओ सिग्नल को लेता है, वो सारे एनालॉग सिग्नल होते हैं, वो एनालॉग सिग्नल लेने के बाद उनको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। जब डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, वो डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट होकर के तुम्हारे आगे 4G पीएफओ में जाते हैं, यहाँ से सिग्नल का फिल्ट्रेशन होता है और उस सिग्नल तुम्हारे आगे नेटवर्क आईसी पे जाते हैं। ये नेटवर्क आईसी क्या काम करती है, उस सिग्नल को कन्वर्ट करती है, आवाज़ फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। जब आवाज़ फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तब आपके मोबाइल फ़ोन में ये आगे जाता है। ठीक है, अभी तक तो क्लास में बैठो, बोले कन्वर्ट हो जाता है तब आपके मोबाइल फ़ोन में आवाज़ आना स्टार्ट होती है। तो ये हमने जो बताया, ये 2G 3G 4G ये सबका आपस में क्या होता है, इंटरकनेक्शन होता है। ठीक, अब आप इस कल आपने होगा इसको लिख लिया था कि नहीं लिख लिया था, है ये लिख लो, और ये फिगर बना लिया था कल।